सफलता की एक लोकप्रिय परिभाषा है अपने मनचाहे तरीके से जीवन जीने की योग्यता, अपने चुने हुए लोगों के साथ और अपनी मनचाही परिस्थितियों में केवल वही चीजें करना जो आपको खुशी देती हों। इसलिए जीवन के हर क्षेत्र में सफलता के आयाम तय करें और उन्हें पाने की दिशा में प्रयास करें। सुप्रभात, मैं हूं आपके साथ शालिनी खंडेलवाल। सबसे पहले नजर मुख्य गतिविधियों पर। अयोध्या में भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को। समारोह में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्योता। प्रधानमंत्री ने कहा, सौभाग्य कि अपने जीवन काल में वो इस ऐतिहासिक अवसर के साक्षी बनेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र और गोवा के दौरे पर। शिरडी में दर्शन के साथ करेंगे नए दर्शन कतार परिसर का उद्घाटन। राज्य को देंगे नई योजना और परियोजनाओं की सौगात। शाम को गोवा में राष्ट्रीय खेलों का करेंगे उद्घाटन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से तमिलनाडु और कर्नाटक के 2 दिवसीय दौरे पर। कर्नाटक में IIM बेंगलुरु के स्वर्ण जयंती समारोह के अंतर्गत स्थापना सप्ताह का करेंगी उद्घाटन। 27 अक्टूबर को भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय चेन्नई तमिलनाडु के 8वें दीक्षांत समारोह में होंगी शामिल। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का आज व्यस्त कार्यक्रम। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से आए छात्रों से करेंगे मुलाकात। 2 दिन के उत्तराखंड दौरे पर भी निकलेंगे आज। और विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने नीदरलैंड को 309 रनों से हराया। ग्लेन मैक्सवेल ने 40 बॉल में बनाया विश्व कप का सबसे तेज शतक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जनवरी को अयोध्या के भव्य श्रीराम मंदिर में आयोजित रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होंगे। ये कार्यक्रम दोपहर 12:30 बजे होगा। प्रधानमंत्री ने बुधवार को राम जन्मभूमि निर्माण समिति के सदस्यों से मुलाकात की। ये मुलाकात शाम को करीब 5:15 बजे हुई। मुलाकात करने वालों में चंपत राय, नृपेंद्र मिश्रा, गोविंद गिरी समेत 4 लोग शामिल रहे। इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने का अनुरोध किया था, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वीकार किया। एक्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये उनका सौभाग्य है कि वो इस ऐतिहासिक अवसर के गवाह बनेंगे। प्रधानमंत्री ने ट्रस्ट के सदस्यों से मुलाकात की फोटो भी शेयर की है। गौरतलब है कि प्राण प्रतिष्ठा के एक भव्य समारोह के दौरान भगवान राम की मूर्ति स्थापित की जाएगी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने भी बताया है कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर में भगवान श्री राम लला सरकार के श्री विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की जाएगी। 14 जनवरी को मकर संक्रांति के बाद रामलला के अभिषेक की प्रक्रिया शुरू करने और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का 10 दिवसीय अनुष्ठान करने का निर्णय लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र और गोवा का दौरा करेंगे। महाराष्ट्र में आज वे कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे और गोवा में राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री दोपहर करीब 1 बजे महाराष्ट्र में अहमदनगर जिले के शिरडी पहुंचेंगे। साईं बाबा समाधि मंदिर में वे पूजा करेंगे और दर्शन करेंगे। वे मंदिर में नए दर्शन कतार परिसर का भी उद्घाटन करेंगे। शिरडी में प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन किए जाने वाला नया दर्शन कतार परिसर नवीनतम तकनीक से पूर्ण एक आधुनिक विशाल भवन है, जिसकी परिकल्पना भक्तों को आरामदायक प्रतीक्षा क्षेत्र प्रदान करने के लिए की गई है। ये 10,000 से अधिक भक्तों के बैठने की क्षमता वाले कई प्रतीक्षा हॉलों से सुसज्जित है। इसमें क्लॉक रूम, शौचालय, बुकिंग काउंटर, प्रसाद काउंटर, सूचना केंद्र आदि जैसी वातानुकूलित सार्वजनिक सुविधाओं का प्रावधान है। इस नए दर्शन कतार परिसर की आधारशिला अक्टूबर 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ही रखी गई थी। दोपहर करीब 2 बजे प्रधानमंत्री नीलवंडे बांध का जल पूजन करेंगे। नीलवंडे बांध के बाएं नहर नेटवर्क को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। नीलवंडे बांध के बाएं नहर का नेटवर्क 85 किलोमीटर लंबा है। पानी के पाइप वितरण नेटवर्क की सुविधा से 7 तहसीलों के 182 गांवों को लाभ होगा। नीलवंडे बांध का विचार सबसे पहले 1970 में आया था।
इसे करीब 5,177 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया जा रहा है। दोपहर बाद करीब 3:15 बजे प्रधानमंत्री शिरडी में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में भाग लेंगे, जहां वो स्वास्थ्य, रेल, सड़क और तेल जैसे क्षेत्रों में लगभग 7,500 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और उन्हें राष्ट्र को समर्पित करेंगे। सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नमो शेतकरी महासम्मान निधि योजना का शुभारंभ करेंगे। इस योजना से महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के 86 लाख से अधिक लाभार्थियों को हर साल 6,000 रुपए की अतिरिक्त राशि प्रदान की जाएगी। प्रधानमंत्री अहमदनगर सिविल अस्पताल में आयुष अस्पताल का उद्घाटन करेंगे, कुर्दुवाड़ी लातूर रोड रेलवे खंड का विद्युतीकरण करेंगे, जलगांव को भुसावल से जोड़ने वाली तीसरी और चौथी रेलवे लाइन का शुभारंभ भी करेंगे। NH 166 के सांगली से बोरगांव खंड को 4 लेन का बनाना और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के मनमाड टर्मिनल पर अतिरिक्त सुविधाएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री अहमदनगर सिविल अस्पताल में मातृ और शिशु स्वास्थ्य विंग की आधारशिला भी रखेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड और स्वामित्व कार्ड भी वितरित करेंगे। शाम को करीब 6:30 बजे प्रधानमंत्री गोवा पहुंचेंगे, जहां वे 37वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन करेंगे। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम मडगांव गोवा में 37वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा किया जाएगा। वो खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को भी संबोधित करेंगे। गोवा में राष्ट्रीय खेल पहली बार आयोजित हो रहे हैं। ये खेल आज से 9 नवंबर तक होंगे। देश भर से 10,000 से अधिक एथलीट 28 स्थानों पर 43 से अधिक खेल विधाओं में प्रतिस्पर्धा करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से तमिलनाडु और कर्नाटक के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति कर्नाटक में IIM बेंगलुरु के स्वर्ण जयंती समारोह के अंतर्गत उसके स्थापना सप्ताह का उद्घाटन करेंगी। वो IIM बेंगलुरु में NS राघवन सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरियल लर्निंग की महिला उद्यमियों और अधिकारियों के साथ बातचीत भी करेंगी। शुक्रवार 27 अक्टूबर को राष्ट्रपति भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय चेन्नई तमिलनाडु के 8वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। इससे पहले कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में एक अंतर धार्मिक बैठक को संबोधित किया था। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा था कि धर्म का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। धार्मिक विश्वास और प्रथाएं हमें विपरीत परिस्थितियों में राहत, आशा और शक्ति प्रदान करती हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि प्रार्थना और ध्यान मनुष्यों को आंतरिक शांति और भावनात्मक स्थिरता का अनुभव प्रदान करने में मदद करते हैं, लेकिन शांति, प्रेम, पवित्रता और सत्य जैसे मौलिक आध्यात्मिक मूल्य हमारे जीवन को सार्थक बनाते हैं। उन्होंने कहा कि समाज में शांति और सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए सहिष्णुता, परस्पर सम्मान और सद्भाव के महत्व को समझना आवश्यक है। राष्ट्रपति ने कहा कि प्रेम और करुणा के बिना मानवता का अस्तित्व नहीं है। जब विभिन्न धर्मों के लोग सद्भाव से एक साथ रहते हैं तो समाज और देश का सामाजिक ताना बाना सुदृढ़ होता है। यही शक्ति देश की एकता को और मजबूत करती है और उसे प्रगति के पथ पर अग्रसर करती है। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित देश के रूप में स्थापित करना है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने में सभी का सहयोग आवश्यक होगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से आए छात्रों के एक समूह से मुलाकात करेंगे। उपराष्ट्रपति की ये मुलाकात संसद भारत दर्शन कार्यक्रम के अंतर्गत होगी। उपराष्ट्रपति छात्रों के इस समूह से दिल्ली स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल कॉन्फ्रेंस हॉल में मिलेंगे। इसके बाद वो दो दिन के उत्तराखंड दौरे पर जाएंगे। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर भी इस मौके पर मौजूद रहेंगे।
संसद भारत दर्शन कार्यक्रम से छात्रों को देश के विभिन्न इलाकों के इतिहास, संस्कृति, परंपराओं और प्रकृति के बारे में जानने का मौका मिलता है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अपनी पत्नी डॉक्टर सुदेश धनखड़ के साथ आज उत्तराखंड की 2 दिवसीय यात्रा पर रहेंगे। आज वो गंगोत्री धाम जाएंगे और कल वे केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में दर्शन करेंगे। बाद में उपराष्ट्रपति देहरादून में वन अनुसंधान संस्थान में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ओर से आयोजित कंट्री लेड इनिशिएटिव के समापन समारोह को संबोधित करेंगे। उपराष्ट्रपति का पदभार ग्रहण करने के बाद उनकी ये पहली उत्तराखंड यात्रा है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इससे पहले कल छात्रों से बड़े सपने देखने, निर्णायक ढंग से सोचने और असफलताओं से कभी न डरने का आग्रह किया। उन्होंने आर्थिक राष्ट्रवाद को देश के विकास के लिए जरूरी बताया है। वो बुधवार को IIT दिल्ली के छात्रों को संबोधित कर रहे थे। उपराष्ट्रपति ने कहा कि आज भारत को दुनिया की वर्तमान समय की चुनौतियों के समाधानकर्ता के रूप में देखा जा रहा है। उन्होंने युवाओं से भारत और उसके संस्थानों की छवि खराब करने के लिए फैलाए जा रहे झूठे नैरेटिव्स को खत्म और बेअसर करने का आह्वान किया। There are certain forces peddling false narrative to taint and tarnish the image of Bharat and its institutions. They have also been trying, as I told a while ago, reputation of your IITs, all on misconception. Now, IITs, I know for sure, people from the village come, people from humble background come, people who made it with great difficulty, people who do not come from upper strata of society, some may be coming on merit, but a different impression was sold to the outside world. You are the real proof of it. And therefore, it is bounden duty of all of us, particularly students like you, to decimate and neutralize such kind of narratives which are pernicious, untenable, and do not reflect the ground reality. उपराष्ट्रपति ने छात्रों से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग और ग्रीन एनर्जी जैसी अत्याधुनिक तकनीकों पर ध्यान केंद्रित करने पर जोर दिया। उन्होंने हरित हाइड्रोजन को अपनाने में तेजी लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की सराहना की। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत 2030 तक ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन और निर्यात का वैश्विक केंद्र बन जाएगा। इस क्षेत्र में निवेश और रोजगार की असीम संभावनाएं हैं। This is the most appropriate form that opens vistas of opportunities, challenges, where you have to be the best in the world, and that is the National Green Hydrogen Mission. This aims to accelerate the deployment of green hydrogen as a clean energy source, will support the development of supply chains that can efficiently transport and distribute hydrogen. The National Green Hydrogen Mission, and the initial outlay is 19,000 crores, was approved in January 2023. And the intended objective was making India a leading producer and supplier of green hydrogen in the world, creation of export opportunities for green hydrogen and its derivatives. Now, what I am saying next has to be fructified by your efforts. Your mind has to be diverted to that area also. The indications are the target by 2030 are likely to bring about 8 lakh crore investment and create over 6 lakh jobs. This is your responsibility. You understand the subject much better. To others, it may be an abstract idea, but for you, it's a ground reality. Nearly 50 MMT per annum of CO2 emissions are expected to be averted by 2030. Now, this is not just a sentence.
aversion of this means a lot. A challenge which the planet is facing, that challenge is sought to be combated also by this mechanism. उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि आर्थिक राष्ट्रवाद हमारे देश के विकास के लिए मौलिक है। उन्होंने घरेलू स्तर पर मूल्य संवर्धन की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि कुछ रोजमर्रा की वस्तुओं को आयात करने की हमारी प्रथा न केवल हमारे विदेशी मुद्रा भंडार को कम करती है, हमारे कार्यबल को संभावित रोजगार के अवसरों से भी वंचित करती है। इकोनॉमिक नेशनलिज्म इज फंडामेंटल टू द ग्रोथ ऑफ अ कंट्री। यू आर द ब्रेन्स दैट विल सिक्योर इट। माय हार्ट पेन्स व्हेन वी इंपोर्ट सर्टेन आइटम्स फ्रॉम अदर कंट्रीज, कैंडल्स, दिया, फर्नीचर, काइट्स, बच्चों के खिलौने, फर्नीचर, कर्टेन्स, इन द प्रोसेस व्हाट आर वी डूइंग? वी आर नॉट ओनली ड्रेनिंग आउट आवर वैल्यूएबल फॉरेन एक्सचेंज, वी आर डिप्लॉइंग आवर हैंड्स टू वर्क। यू आर टू इंश्योर, सिंस आई एम ऑन दिस पर्टिकुलर पॉइंट एट द मोमेंट, our raw material should not leave our source. Why should we not add value to our raw material? If our raw material goes to another country, it is some kind of a recognition of our failure that we are unable to do what others will do it after getting it. मंगलवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई। इस बैठक में जापान भारत सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी पर भारत और जापान के बीच सहयोग ज्ञापन को मंजूरी दे दी गई। सहयोग ज्ञापन का उद्देश्य उद्योगों और डिजिटल प्रौद्योगिकियों की उन्नति के लिए सेमीकंडक्टर के महत्व की पहचान करते हुए सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला को संवर्धित करने की दिशा में भारत और जापान के बीच सहयोग को मजबूत बनाना है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रबी सीजन 2023-24 के लिए फॉस्फेट और पोटाश युक्त उर्वरकों पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी दरें तय करने के लिए उर्वरक विभाग के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है। रबी सीजन 2023-24 में पोषक तत्व आधारित सब्सिडी पर 22,303 करोड़ रुपए का व्यय होने का अनुमान है। जो न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी रेट्स हमारे फॉस्फेटिक और पोटाशिक फर्टिलाइजर्स के लिए है, वो रबी के सीजन के लिए ये 1 अक्टूबर 2023 से 31 मार्च 2024 तक रहेंगे। आगामी रबी सीजन जो हमारा 2023-24 का है उसके लिए नाइट्रोजन के लिए 47.2 रुपये प्रति किलो, फॉस्फोरस के लिए 20.82 रुपये प्रति किलो और पोटाश के लिए 2.38 रुपये प्रति किलो और सल्फर के लिए 1.99 रुपये प्रति किलो 1.89 रुपीस प्रति किलो सब्सिडी प्रदान की जाएगी। और इसके लिए एनबीएस पर कुल 22,303 करोड़ रुपये का व्यय अनुमानित है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किर्गिस्तान के राष्ट्रपति झापारोव से मुलाकात की। इस दौरान बैंकिंग, रक्षा और ऊर्जा क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के तरीकों पर चर्चा हुई। चर्चा की जानकारी एक्स पर देते हुए विदेश मंत्री ने पोस्ट किया कि किर्गिज गणराज्य के राष्ट्रपति सदिर झापारोव से मुलाकात करके खुशी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की व्यक्तिगत शुभकामनाएं उन्होंने दी। इससे पहले कल 2 दिवसीय यात्रा पर किर्गिस्तान पहुंचने पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। सुप्रभात में अब बात करते हैं खेल जगत की। बुधवार को विश्व कप 2023 का 24वां मुकाबला ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड के बीच खेला गया। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने नीदरलैंड को 309 रनों से हराया। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 50 ओवर में 8 विकेट पर 399 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया की ओर से 2 शतक लगे। पहले शतक के रूप में डेविड वार्नर ने 93 गेंदों में 103 रन बनाए। वहीं कल के मैच में क्रिकेट विश्व कप इतिहास का सबसे तेज शतक बना। ये शतक बनाया ग्लेन मैक्सवेल ने।
उन्होंने 40 बॉल में अपना शतक पूरा कर लिया। मैक्सवेल ने 44 गेंदों में 9 चौकों और 8 छक्कों की मदद से कुल 106 रन बनाए। जवाब में 400 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी नीदरलैंड की टीम 21 ओवर में ही ऑल आउट हो गई और कुल 90 रन ही बना पाई। ऑस्ट्रेलिया की ओर से एडम जेम्पा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 3 ओवर में मात्र 8 रन देकर 4 विकेट लिए। तेज शतक के साथ ही कल मैच में एक और क्रिकेट विश्व रिकॉर्ड बना। ऑस्ट्रेलिया विश्व कप में सबसे ज्यादा रनों से जीत दर्ज करने वाली पहली टीम बनी। हालांकि एक दिवसीय क्रिकेट इतिहास में सबसे ज्यादा रनों से जीतने का रिकॉर्ड अब भी भारत के नाम है। इसी साल जनवरी में भारत ने श्रीलंका को 317 रनों से हराकर इतिहास रच दिया था। कल हुए मैच में ग्लेन मैक्सवेल की धमाकेदार और रिकॉर्ड तोड़ बल्लेबाजी के लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच दिया गया। आज विश्व कप का 25वां मुकाबला इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। बेंगलुरु में 2 बजे से इस मैच की शुरुआत होगी। सुप्रभात में अब बात करते हैं आज के दिन से जुड़े इतिहास की और जानते हैं आज के दिन से जुड़ी मुख्य घटनाओं के बारे में। अक्टूबर साल 1947 को जम्मू और कश्मीर भारत गणराज्य का हिस्सा बना। अक्टूबर 1947 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध के समाप्ति के बाद जम्मू और कश्मीर राज्य को औपचारिक रूप से भारत में मिला लिया गया। इसी दिन राजा हरि सिंह ने स्थितियों को देखते हुए राज्य के भारत में विलय के लिए एक कानूनी दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। इस दस्तावेज को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहा गया। उन्होंने इस दस्तावेज पर भारतीय स्वतंत्रता कानून 1947 के तहत हस्ताक्षर किए और अंततः इस पर हस्ताक्षर करते ही राजा हरि सिंह जम्मू और कश्मीर को भारत के प्रभुत्व वाला राज्य मानने पर सहमत हो गए। 26 अक्टूबर साल 1890 को गणेश शंकर विद्यार्थी का जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद यानी आज के प्रयागराज में हुआ। वे भारतीय इतिहास के एक संवेदनशील पत्रकार होने के साथ ही सच्चे देशभक्त, समाज सेवी, स्वतंत्रता संग्राम के सक्रिय कार्यकर्ता भी थे। उन्होंने अपनी लेखनी के जरिए अंग्रेजों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। पत्रकारिता के करियर के दौरान उन्होंने पत्रिका प्रताप की स्थापना की। उन्हें हिंदी पत्रकारिता का प्रमुख स्तंभ माना जाता है। गणेश शंकर विद्यार्थी ने करशा, जमींदार, पूंजीपति और उच्च जाति के खिलाफ हमेशा अपनी आवाज उठाई। गणेश शंकर विद्यार्थी पत्रकारिता जगत का एक ऐसा नाम था जिनकी लेखनी से ब्रिटिश सरकार भी डरती थी। समय के साथ साथ हिंदी का विस्तार हो रहा है। हिंदी 7 समुन्दर पार विशेष कार्यक्रमों की शोभा बढ़ा रही है। ऐसा ही कुछ देखने को मिला किर्गिस्तान में आयोजित शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के उद्घाटन में, जिसकी शुरुआत हिंदी गानों की सुंदर प्रस्तुति से हुई। आप आनंद उठाइए इस विशेष प्रस्तुति का और मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।